सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिकंदराबाद से, जहां पर अमित शाह के रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। आशीष पांडे हमारे सहयोगी वहीं से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष, शुरुआत हो चुकी है रोड शो की, क्या है आगे का कार्यक्रम? जी हाँ नवजोत, आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि वो अमित शाह को दिखाएं। यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री दोनों यहां पर मौजूद हैं और बीजेपी का यह शक्ति प्रदर्शन हैदराबाद शहर में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों को लेकर है। आप देख सकते हैं कैसे पूरा ये रास्ता, ये जो सिकंदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलाका है, वारसीगुड़ा इसको कहते हैं, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उमड़े हैं। जिधर भी नजर डाली जाए, या तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिख रहे हैं या फिर इनके अलायंस पार्टनर जनसेना के झंडे दिख रहे हैं। सो यहाँ पर जो शक्ति प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को, उनके उम्मीदवारों को जितवाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इस पूरे प्रचार की शुरुआत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने करी। उन्होंने एक चार्जशीट पहले रिलीज करी भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर आरोपित किया गया टीआरएस की सरकार के फेलियर्स को। उसके बाद स्मृति ईरानी यहां आती हैं, दूसरी केंद्रीय मंत्री, उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस आते हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट तेजस्वी सूर्य जो कि सांसद भी हैं कर्नाटक से, वो यहां आते हैं। उसके बाद यहां पर योगी आदित्यनाथ का आगमन होता है और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाले हैं। अगर हम बैक रूम स्ट्रेटजिस्ट की बात करें तो बिहार के चुनाव में पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले भूपेंद्र यादव को इस नगर निकाय चुनाव में पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया है। भूपेंद्र यादव के अलावा महाराष्ट्र के आशीष सेलार यहां पर हैं, कि गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी संतोष सिंह जडेजा यहां पर हैं। तो ये सारे लोग यहां पर आकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जो कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से पराजित हुई थी, उनके 7 सांसद विधायकों में से 6 विधायकों की बुरी हार हुई थी और सिर्फ एक सीट पर हैदराबाद में वो जीत हासिल कर पाए थे, अब पूरी ताकत और शक्ति प्रदर्शन कर रही है यहाँ हैदराबाद के सड़कों पर। और जिस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा 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 यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, वो बहुत ही बताता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के उम्मीदवारों को ओवैसी के गढ़ में, केसीआर टीआरएस के गढ़ में पराजित करने में की कवायद में जुटी हुई है। वोटिंग 1 दिसंबर को होना है, 4 दिसंबर को काउंटिंग होनी है और रिजल्ट से पहले आज प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री, पार्टी के स्टार प्रचारक अमित शाह खुद हैदराबाद की सड़कों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खास तौर पे नवजोत, ये एक नगर निकाय चुनाव है, म्युनिसिपल चुनाव है और जिस तरीके से हैदराबाद के इस म्युनिसिपल चुनाव में पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया है, अपने दिग्गज और कद्दावर नेताओं को यहाँ जमीन पे उतारा है, वो साफ बताता है कि निगाहें या निशाने पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव जरूर है पर निगाहें 2023 के विधानसभा चुनाव पर हैं। ये साफ बताता है कि कैसे बीजेपी इस चुनाव को पूरी ताकत के साथ जीत रही है। अगर हम ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव के 2016 के नतीजों की बात करें नवजोत, तो यहाँ पर बीजेपी को मात्र 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि पूरे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 150 सीटें हैं। 2016 के नगर निकाय चुनाव में टीआरएस और एमआईएम ने मिलकर अपना मेयर चुना, अभी तक टीआरएस का मेयर असद ओवैसी के एमआईएम के समर्थन से सत्ता पर काबिज थे, लेकिन अब बीजेपी का दावा है कि वो इस चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल करेंगे और वो यहां पर अपना मेयर बिठाएंगे। नतीजे क्या होंगे
वोटिंग किस तरीके से होगी वो देखने वाला होगा, लेकिन इस चुनाव को काफी दिलचस्प भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गजों को उतार कर जरूर बना दिया है नवजोत। बिल्कुल आशीष, और देखिए इसके बाद जो सियासी मूड है कम से कम वो भी समझ में आएगा, लेकिन बड़ी बात ये है कि जब जनता के बीच में इतने बड़े बड़े लीडर्स पहुंचते हैं, खासतौर पर नगर निगम चुनाव को लेकर अगर बात की जाए, तो आम जनता में किस तरह की राय बन रही है, ग्राउंड पर क्या नजर आ रहा है? नवजोत, जनता जाहिर तौर पे बीजेपी के आगमन के बाद अचानक से बीजेपी यहाँ पर, ऐसा लगता है कि लोगों की नजरों में बीजेपी जरूर आई है, लोग जरूर बीजेपी को एक मजबूत विपक्ष की तरीके से देखने लगे हैं। हालांकि अगर हम नंबर की बात करें तो तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी के अभी मात्र 2 विधायक हैं, 119 सीटों में 2 विधायक हैं। अगर हम बात करें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 2016 के नतीजों को, जैसा मैं बता रहा था, मात्र 3 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी 150 में। सांसद की बात करें तो 17 में से 4 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन हाँ 2019 के नतीजे, उसके बाद अभी जो 10 नवंबर को दुबाका असेंबली बाईपोल के नतीजे आए, जहां पर बीजेपी ने के चंद्रशेखर राव के गढ़ उनके गृह कंस्टिट्यूएंसी से लगा हुआ दुबाक में चुनाव जीता है, उस जीत के नतीजों का असर इस म्यूनिसिपल इलेक्शन में जरूर दिख रहा है। दुबाक उपचुनाव की बात करें तो दुबाक जो कंस्टिट्यूएंसी है वो एक रूरल कंस्टिट्यूएंसी है, ग्रामीण कंस्टिट्यूएंसी है, लेकिन उस कंस्टिट्यूएंसी की खासियत यह है कि उसकी सीमा एक तरफ के चंद्रशेखर राव टीआरएस अध्यक्ष और राज्य के मुखिया के चंद्रशेखर राव की कंस्टिट्यूएंसी से लगती है, दूसरी तरफ की सीमा के चंद्रशेखर राव के बेटे और राज्य के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर केटी रामा राव की कंस्टिट्यूएंसी से लगती है, और तीसरी तरफ की सीमा के चंद्रशेखर राव के भांजे और राज्य के वित्त मंत्री के टी हरीश राव की कंस्टिट्यूएंसी से लगती है। तो इन तीनों दिग्गजों की कंस्टिट्यूएंसी से घिरे हुए दुबाक में बीजेपी ने जिस तरीके से अप्रत्याशित जीत हासिल की, उसने इस नगर निगम चुनाव को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया है। और खास तौर पे जिस तरीके से दुबाक की जीत के बाद बीजेपी ने अपने दिग्गजों को सड़क पे उतारा, वो साफ तौर पे बताता है कि यहाँ पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। जाहिर सी बात है, नजर भी आ रहा है, क्योंकि सड़कों पर जिस तरीके से एक सैलाब हम यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस रोड शो में शामिल हुए हैं। कल भी हमने देखा था किस तरीके से, जब योगी आदित्यनाथ की रैली चल रही थी उसमें भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, और एक पारंपरिक अंदाज भी यहाँ पर नजर आ रहा है सड़कों पर। लगातार बताते जा रहे हैं आपको, खास क्यों है ये चुनाव, देखिए इसकी हदें 4 जिलों में फैली हुई है। अगर बात की जाए 24 विधानसभा सीटें इसमें आते हैं, यही एक बड़ी बात है कि बीजेपी लगातार अपने तमाम बड़े दिग्गजों को मैदान पर उतारे हुए। लोकसभा की 5 सीटें इसी के तहत आती हैं। अमित शाह का ये रोड शो बहुत अहम है, 2023 में होने हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले जो सियासी मूड है वो भी एक तरीके से पता चलेगा। वोटर तादाद के लिहाज से अगर देखा जाए तब भी बहुत अहम और बहुत बड़ा चुनाव इसको माना जा रहा है। राज्य के सियासी मूड की झलक क्या है वो भी इसके नतीजों के जरिए समझ में आएगी। 1 तारीख यानी कि 1 दिसंबर को वोट डाले जाने, और जीते तो विधानसभा चुनाव में भी काफी हद तक मदद मिलेगी। सीटें कुल टीआरएस 99 पर, अभी काबे से एमएम 44 पर है। बीजेपी को 3 सीटें पिछली बार मिली थी और कांग्रेस के खाते में 2 गई थी, लेकिन इस बीच इस बार क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। 2020 का चुनाव कहने को नगर निगम चुनाव ग्रेट रहा हैदराबाद का, लेकिन 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले का एक टेस्ट माना जा रहा है। सियासी मूड क्या है जनता का वो समझ में आएगा, और इसके अलावा जिस तरीके से भाजपा ने राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की टीआरएस और आसुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम के खिलाफ दिग्गज नेताओं की फौज उतार दी है, उससे भी समझ में आएगा कि आखिर 23 की तैयारी कितनी है, कहां चूक है और कहां पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। बता दें कि राज्य में राव के साथ साथ राव की जो तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी है टीआरएस, उनकी सरकार है, ओवैसी की एआईएमएम के साथ उन दोनों का रिश्ता, और इसको लेकर संबित पात्रा ने भी 2 दिन पहले एक तंज कसा था कि ये किस तरीके से
एक फैमिली के तौर पर यहाँ पर काम करते हैं। बहरहाल ये बता दें कि 4 जिले हैं, 24 विधानसभा सीटें इसके अंतर्गत आती हैं, 5 लोकसभा सीटें आती हैं, बहुत अहम चुनाव इसके भी माना जा रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते हुए, बहुत अहम आज का दिन क्योंकि हैदराबाद पहुंचने के बाद सबसे पहले भाग्य लक्ष्मी मंदिर में देवी दर्शन किए, मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और इसके बाद रोड शो जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को देख सकते हैं, आसपास दूर दराज से लोग यहां पर आए हैं और इस रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। और इसके बाद आपको ये भी बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अमित शाह को करनी है। आशुतोष मिश्रा भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष पांडे भी इस रोड शो पर लगातार नजर बनाए हैं। आशुतोष, बहुत अहम ये चुनाव क्योंकि यहीं से मूड क्या है सियासी वो समझ में आएगा और फिर तैयारी 2023 की जाएगी। बिल्कुल, और ये बीजेपी के अपने आप में अलग रणनीति, क्योंकि दक्षिण भारत में अगर आपको पैर पसारने हैं तो बीजेपी के पास कर्नाटक का किला तो है, लेकिन उसके आगे पीछे अगर आपको जाना होगा तो काफी मेहनत करनी होगी और साथ ही आपको एक जगह भी खोजनी होगी जहां से आप प्रयोग कर सकें, और ऐसे में तेलंगाना वो प्रयोग अपने आप में नजर आता है। और सबसे इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था कि एक म्युनिसिपल इलेक्शन है, बीजेपी बीएमसी में लड़ती थी शिवसेना के साथ, दिल्ली में उसके पास वो सत्ता में है नगर निगम में, लेकिन हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आप जो लगातार जिक्र कर रही है जिसमें 4 जिले हैं, 26 से ज्यादा जो डिविजन हैं वो इसमें शामिल हैं और इसके साथ साथ 5 से 8 लोकसभा सीटें, तो ये जो चुनाव है वो प्रभाव आप जीत हार की तो बात भी नहीं है, आप जिस दमखम से लड़ते हैं उससे आपका एक वोट बेस तैयार होता है, वोट बेस के साथ साथ आपके कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं कि आप यहाँ लड़ना चाहते हैं, और जो प्रभाव आप नगर निगम चुनाव में डालेंगे उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव आसपास की सीटों डिवीजन पर होता है, यानी आपका जो इलेक्टोरल दायरा है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बढ़ती जाती है, और इसीलिए बीजेपी ने इस चुनाव में जो ताकत झोंकी वो आखिरी 15 दिनों में झोंकी, और जो बयान भी हों, जो भी बीजेपी की अपनी पारंपरिक स्टाइल हो चुनाव लड़ने की, एक के बाद एक बयान, और उसके बाद सिर्फ ये संकेत देने की कोशिश नहीं कि बस एक नगर निगम चुनाव है, जब बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने खुद भी ये कहा कि इसे छोटा चुनाव क्यों कहा जाता है, चुनाव तो चुनाव होते हैं क्योंकि इसमें लोकसभा सीटें शामिल हैं, इसमें विधानसभा सीटों के रहने वाले लोग हैं, इसीलिए कोई साधारण चुनाव नहीं है। बीजेपी ने उसे जस्टिफाई भी किया कि अगर वो ताकत नगर निगम चुनाव में लगा रही है तो ये कोई लोकल इलेक्शन नहीं है, और ये लोकल इलेक्शन अगर नहीं है तो वो आपको तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं स्क्रीन पर कि कैसे हजारों का हुजूम, कार्यकर्ताओं का समूह, बीजेपी के सभी नेता राज्य के, चाहे वो किशन रेड्डी हों, सी रवि हों, या फिर राजा हों उनके जो विधायक हों, या फिर जो संजय हैं इनके बंदी संजय जिनका बयान काफी विवादास्पद रहा, इस पूरी ताकत के साथ दमखम के साथ वो मैदान में उतर गए, और अब ये रोड शो सिकंदराबाद में, आप ये देखें कि अमित शाह ओल्ड सिटी आए, जहां पर ये चार मीनार है ये पुराना हैदराबाद है जिसे ओल्ड सिटी कहा जाता है, और इस ओल्ड सिटी में अगर वो आते हैं तो आस्था तो अलग है लेकिन इसके साथ साथ एक राजनीतिक संकेत भी है। योगी आदित्यनाथ का रोड शो भी ओल्ड सिटी में करना नवजोत, वो भी एक संकेत था, और उसी संकेतों के आधार पर बीजेपी अगली अपनी तैयारियां, ये आज जो झलक है ये दरअसल अब से कुछ साल बाद होने वाले चुनाव की तैयारियों की एक झलक है, लेकिन इसका असर अभी के चुनाव पर पड़ना, तैयारियां कहें तो अभी से शुरू कर दी गई और इसीलिए ये अहम माना जा रहा है। जिसकी सीधी तस्वीर है सिकंदराबाद से हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत अहम ये रोड शो, सियासी मूड को समझा जाएगा, 2023 के विधानसभा की तैयारी भी होगी, भाग्यनगर से बदलेगा बीजेपी का भाग्य। भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अमित शाह ने अपने रोड शो की शुरुआत की, ये तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं, सिकंदराबाद की तमाम गलियों से रास्तों से होते हुए रोड शो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, हाथों में बैनर झंडे लेकर लगातार कार्यकर्ता साथ साथ मौजूद हैं।
निकाय चुनाव में अमित शाह का रोड शो। सीधा चलेंगे आशुतोष मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जिस तरीके से गलियों से गुजरते हुए ये रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है और बड़ी संख्या में न सिर्फ आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ लोग भी नजर आ रहे हैं, जनता का मूड क्या देख सकते हैं आप? अभी जो काफिला गुजर रहा है नवजोत, ये सिकंदराबाद गलियां दरअसल बेहद तंग है और उन गलियों से होता हुआ ये रोड शो तो शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। सीधे सीधे अमित शाह और इनके आसपास जो आप कार्यकर्ताओं का हुजूम देख रहे हैं ये हजारों की तादाद में। इतना ही नहीं, जब मंदिर पर भाग्यलक्ष्मी मंदिर पर भी आए तब भी ये कोई तय कार्यक्रम के तहत नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि गृहमंत्री आ रहे हैं और लगभग जिन्हें बीजेपी का चाणक्य माना जाता है हर चुनाव में फ्रंट से लीड करते रहे, यहाँ पर भी सैकड़ों का हुजूम था। और ये तो फिर भी रोड शो है, रोड शो भी ऐसा कि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, 5 बजे सारे प्रचार बंद हो जाएंगे, परसों मतदान होना है म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए। लेकिन इलेक्शन जब ये संकेत देना हो कि दरअसल लड़ाई की शुरुआत है, टारगेट कुछ और है और ऐसे में इस चुनाव में कहीं कोई कमी ना छोड़ी जाए, और इसीलिए अमित शाह खुद उतरे मैदान में और संकेत देने के लिए सबसे पहले जेपी नड्डा को उतारा गया, भूपेंद्र यादव को यहाँ भेजा गया। यहाँ तक कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया, तो मैनिफेस्टो लॉन्च में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को भेजा और जब मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद गली गली तैयारियां शुरू हुई, उसके बाद फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को भेजा। पब्लिक मीटिंग तो उन्होंने की ओल्ड सिटी में, उसके साथ साथ एक रोड शो भी, यानी ये कुल जो तस्वीरें हैं जिसे ऑप्टिक्स कहा जाता है, पावर शो, ये कुल मिलाकर के पावर शो की तस्वीरें हैं। सिकंदराबाद की तंग गलियों से होते हुए काफिला आगे बढ़ रहा है और आपको बताएं जो फासला है वो बहुत छोटा है, लेकिन समय इसमें 1 घंटे से ज्यादा का लग सकता है क्योंकि कार्यकर्ताओं का हुजूम बहुत ज्यादा है। और उससे भी जो संगठन बीजेपी ने यहाँ पर दिखाया अपने युवा चेहरों को आगे करके, बंदी संजय कुमार प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन अचानक पिछले 15 दिनों से वो सुर्खियों में आ गए क्योंकि ये माना जाता है यहाँ पर कि उनका जो बोलने का अंदाज है, जो शैली है या जिस तरह से वो आक्रामक होते हैं वो बिल्कुल यहाँ के मुख्यमंत्री केसीआर की तरह है। यानी अगर आप केसीआर के मोर्चे में घुस कर उनके क्रेमे में घुस कर चुनौती दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल वैसा ही अंदाज अपनाना पड़ेगा। बंदी संजय कुमार इसीलिए अपने उस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ राजा को यहाँ पर से उतारना और साथ ही जो तेजस्वी है उनके युवा चेहरे, दूसरे राज्यों से भी जो नेता है वो भी अपने आक्रामक शैली में यहाँ पर हावी रहे। लेकिन सबसे दिलचस्प नौजोद ये रहा कि इसके अलावा जो कैंपेन रहा बीजेपी का टारगेटेड, वो टीआरएस से ज्यादा ओवैसी पर हमलावर, यानी टीआरएस के साथ साथ वो हमलावर होते थे, मुद्दों पर उनको घेरते थे, लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी जो आक्रामक थी वो ओवैसी को लेकर के, ओवैसी ने भी अपनी पिच खोली, वो बीजेपी पर हमलावर थे। तो इस लड़ाई में जो सबसे बड़ी लड़ाई तेलंगाना में और खासकर ये जीएसएमसी के लिए दिखी वो बीजेपी और एमआईएम के बीच में थी। जाहिर है यहाँ पर एमआईएम और टीआरएस के बीच कोई औपचारिक गठबंधन पीपल अलायंस नहीं है, लेकिन विधानसभा में जब कई कानून होते हैं, जो खुद केसीआर ने भी कहा था कि कई ऐसे कानून है जिस पर हमें समर्थन चाहिए, तो एमआईएम हमें समर्थन देती है और इसीलिए ओवैसी और एमआईएम को लगातार ये हमेशा बीजेपी हम लोग में कहते रही कि देखिए ये साथ हैं, लड़ते हैं, तुष्टिकरण करते हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स को लेकर के हमेशा टारगेट करती रही। और इसीलिए उसके बाद जब आज आखिरी दिन आया है प्रचार का तो पूरी ताकत झोंकते हुए अपने दूसरे सबसे बड़े चेहरे अमित शाह को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। और सीधी तस्वीरें सिकंदराबाद की मुख्य सड़क से होते हुए गलियों के पीछे ये दायरा आगे बढ़ता हुआ हजारों कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ। मजबूत बिल्कुल ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं आशुतोष, लेकिन बहुत दिलचस्प है इसको भी जानना और जरा समझाइए हमें भी, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पिछले रिजल्ट की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ 3 ही सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 150 कुल सीटें हैं जिसमें टीआरएस एक बड़ी पार्टी थी, एएम दूसरे नंबर पर थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो एआईएमआईएम ने सिर्फ 51 ही सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और ये सवाल एमआईएम को भी काफी अखरता है, उनसे ये पूछा जाना कि आप चुनाव लड़ने बिहार चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, वहां पर आप जो गैर बीजेपी पार्टी है उनके विरोधी पार्टी उनके आप वोट खराब करते हैं, उनके वोट काट देते हैं, उस पर वो कहते हैं कि हम तो रैशनल पार्टी और हमारा संवैधानिक अधिकार है लड़ने। लेकिन इसी सवाल के जवाब में वैसे खुद फंस जाते हैं जब उनसे ये पूछा जाता है कि जिस हैदराबाद से आप सांसद चुन के आते हैं, जो आपका अपना बैस्टन है, आपका अपना गढ़ है, वहीं पर 150 की डिवीजन जो जिसे कहा जाता है यहाँ पर आपने महज 51 कैंडिडेट उतारे हैं, आधे तो छोड़िए आप एक तिहाई पर सिमटते नजर आते हैं, इसका जवाब एमआईएम नहीं दे पाती है। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी का आरोप है और ये समझा भी जाता है यहाँ की राजनीति में कि दरअसल ये एक अंडरस्टैंडिंग है टीआरएस के बीच में और एमआईएम के बीच में कि ज्यादातर सीटों पर टीआरएस लड़ती है और जब भी जरूरत पड़ेगी संख्या बल की तो ऐसे में एमआईएम उनकी सहयोगी बन जाएगी। लेकिन 150 के 150 सीटों पर टीआरएस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से होती है फिर?
आप ये कहा ना कि जो ऑप्टिक्स होता है, जो ऑप्टिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसमें प्री पोल अलायंस कहीं घोषित नहीं हुआ है, जब प्री पोल अलायंस की कहीं घोषणा नहीं की गई जाती है, तो ऐसे में बहुत देखिए बहुत है तो अल्टीमेटली लोकल इलेक्शन, आप हम स्केल देख सकते हैं इसके प्रचार का, लेकिन है बड़ा लोकल इलेक्शन, और लोकल इलेक्शन म्यूनिसिपल इलेक्शन में जो प्रभाव होता है वो बहुत ही लोकल होता है, कई बार उसमें कैंडिडेट होता है, जो जीत होती है वो 200 300 50 60 ऐसे नंबर से हो जाती, इतने वोटों से हो जाती है, जो कैंडिडेट है वो जाता है, उन्हें चाचा ताऊ मौसी पकड़ के लेके आते हैं बूथ तक कि चलिए हमारे लिए वोट कीजिए। ऐसे लोकल इलेक्शन में ऑप्टिक्स इसलिए बड़ी क्योंकि यहाँ पर ये भी दिखाना है कि अगर आप लड़ने के लिए आए हैं, वरना अगर ये वजह नहीं होती तो पीटीआई को ये क्यों कहना पड़ता कि ये लड़ाई दरअसल गली बॉय यानी हैदराबाद के लोकल के साथ वर्सेस में दिल्ली बॉय से है, गली बॉय दिल्ली बॉय का टैग यहाँ पर दिया गया केसीआर के द्वारा। वो वैसे कह रहे हैं देखिए बाहर से आए हैं और यहाँ पर क्या करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, बीजेपी के नेताओं को यहाँ लगाया गया, वो ये कह रहे हैं कि ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। इतने जो बयान और ये जो कड़वाहट कभी लोकल चुनाव में नहीं देखी जाती, और अगर ये देखी गई है तो जाहिर है इसके राजनीतिक संकेत हैं, इसके राजनीतिक आईने हैं कि कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है। वैसे तो टीआरएस पर जो है ओवैसी भी हमलावर अपने लगातार कई रैलियों में वो सरकारी अलग अलग मसलों को लेकर के वो केसीआर पर भी हमला बोलते रहे हैं कि देखिए केंद्र में जब बीजेपी को मदद की जरूरत होती है तो आप भी समर्थन दे देते हैं, और ऐसा हुआ भी कई सारे मुश्किल बिलों पर। आप ये देखिए कि केसीआर की जो पार्टी है टीआरएस, उसके सांसदों ने राज्यसभा लोकसभा में समर्थन दिया है और इसीलिए ओवैसी उन पर भी हमलावर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ओवैसी का जो हमला है वो अपने चुनाव प्रचार में बीजेपी के खिलाफ है। यहाँ तक कि केसीआर भी अपनी चुनावी रैलियों में बीजेपी द्वारा आक्रामक होते हैं, तो ये दिखाने की दरअसल एक ये भी कोशिश है कि ये ट्राइंगुलर फाइट है, बीजेपी मैदान पर तो लड़ रही है केसीआर के खिलाफ है लेकिन कैंपेन का जो टूल है वो ओवैसी है, तो इसीलिए चुनाव जगह हैदराबाद की बिरयानी बड़ी मशहूर है, दुनिया भर में जानी जाती है, यहाँ वो राजनीतिक तड़का और वो जायका बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है तीन पार्टियों के बीच जी। और साथ ही साथ तस्वीरों में आशुतोष जो पीछे एक तस्वीर हम देख पा रहे हैं इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर चल रही है, उसमें अमित शाह के साथ वो उस बड़े बैनर में सबसे बड़ी तस्वीर भी अमित शाह की ही नजर आ रही है, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का, दूसरा सबसे बड़ा चेहरा, जब ये कहा गया यहाँ विरोधी की ओर से कि आप क्या प्रधानमंत्री को भी बुलाएंगे, प्रधानमंत्री आए लेकिन ये अलग बात है कि वो चुनावी हिस्से में नहीं थे बल्कि भारत बायोटेक में वैक्सीन का जायजा लेने के लिए गए थे, और इसीलिए अब जब अमित शाह दूसरा सबसे बड़ा चेहरा, जब भी चुनाव होते हैं, जब भी बड़ी चुनौती आती है तो अमित शाह ही मोर्चा संभालते हैं, बीजेपी के जो कहते हैं कि जब आपकी नाव कौन फेंकेगा, यहाँ बाहर कौन निकालेगा, तो वो अमित शाह ही, और इसीलिए आखिरी दिन उनको भेजना यही